Hey friends, welcome back to my channel. It's me खुशबू. My channel name is Fashionable Girl. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ डव के सोप का रिव्यू शेयर करूँगी. इस सोप के बारे में सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी. तो guys, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दे प्रेस ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे. सो गाइस, विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की कि हमें इसकी पैकेजिंग किस तरह कैसी मिल जाती है. तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये हमें वाइट एंड ब्लू कलर की पैकेजिंग में बॉक्स में मिल जाता है. कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें ये डव का सोप मिल जाता है. गाइस, जो इसकी आउटर पैकेजिंग है वो हमें बॉक्स में मिल जाती है और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ नहीं है. अंदर से ये हमें एक सोप मिल जाता है. एंड मैं अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन हो रखी हैं, क्या क्या चीज़ें इस पर लिख रखी हैं. यहाँ फ्रंट साइड पे इस पर लिख रखा है, तो इस पर लिख रखा है डव. तो यानी कि डव का सोप है. ये चीज़ मैंने आप लोग को फर्स्टली क्लियर कर दी कि मैं आप लोग को डव के सोप का रिव्यू दे रही हूँ. एंड इस पर लिखा है क्रीम ब्यूटी बाथिंग बार. एंड इस पर लिखा है फोर सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग स्किन. तो यानी कि हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है एंड ग्लोइंग बनाता है. ये चीज़ पे मेंशन कर रखी है. एंड इस पर लिखा है मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो यानी कि ये हमारी स्किन को, हमारे फेस को, हमारी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. डर्मेटोलॉजिस्ट नंबर वन रिकमेंडेड. तो यानी कि ये जो सोप है, ये जो साबुन है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा बना हुआ सोप है. तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इसकी MRP की. ये हमें कितनी MRP में मिल जाता है? तो गाइज, ये जो मैंने सोप ले रखा है ये है मेरे को 57 रुपीज़ का मिला है. बट इसमें छोटा वाला पैक भी आता है इसका, जो हमें 10 रुपीज़ में मिल जाता है इसकी, और इससे बड़े वाला पैक भी आता है. तो आप लोगों को जिस तरह का सूटेबल लगे आप उस तरीके का परचेज़ कर सकते हैं. अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो आप 10 वाला भी परचेज़ कर सकते हैं. एंड अब MRP के बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड में क्या क्या चीज़ें मैंशन कर रखी हैं. इस पर लिखा है मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो यानी कि हमारे फेस को, हमारे स्किन को हम इसे जहाँ भी अप्लाई करते हैं, बॉडी में, फेस पे, स्किन पे, कहीं पे भी हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है. सेकंड इस पर लिखा है प्लांट बेस्ड क्लींजर्स. थर्ड इस पर लिखा है pH बैलेंस्ड फार्मूला. तो यानी कि हमारे स्किन के pH लेवल को मेनटेन करके रखता है. तो हमारे स्किन का, हमारे फेस का pH लेवल ये बैलेंस करके रखता है, मेनटेन करके रखता है. एंड अब मैं बात कर लेती हूँ ये हमें कितने ग्राम में मिल जाता है. तो ये 100 ग्राम में मिला हुआ है. 57 रुपीज़ में मेरे को 100 ग्राम में मिला है. एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इसमें हमें सिट्रिक एसिड मिला हुआ है, सोडियम मिला हुआ है इसमें, वाटर मिला हुआ है, लॉरिक एसिड मिला हुआ है, परफ्यूम इसमें मिला हुआ है हमें, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, टाइटेनियम डी ऑक्साइड मिला हुआ है, जिंक ऑक्साइड मिला हुआ है, ग्लिसरीन मिली हुई है, सिट्रिक एसिड मिला हुआ है. तो गाइज, इसमें हमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं. और ये जो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताए ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स थे. अगर आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स जानने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी द्वारा बना हुआ है. तो गाइज, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी द्वारा बना हुआ है. आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितने ज़्यादा ब्रांड बनाती है, कितने अच्छे अच्छे ब्रांड बनाती है और मार्केट में उनके कितने सारे ब्रांड अवेलेबल हैं. इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है 2022 और इसकी जो एक्सपायरी है वो है 2024. तो यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रखी है. और गाइज, अब मैं आप लोगों को इसको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरह का हमें मिला हुआ है. तो गाइज, ये इस तरह का सोप मिल जाता है हमें. कुछ यू कैन सी, ये कुछ इस तरह का हमें सोप मिल जाता है. गाइज, अब मैं बात करूँ इसकी फ्रेगरेंस की, तो अमेजिंग फ्रेगरेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ्रेगरेंस है. और मेरे को इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा मुझे सोप की फ्रेगरेंस पसंद आई. एंड बता दूँ कि कौन सी स्किन टाइप के लिए है. तो गाइज, ये ड्राई स्किन टाइप के लिए है. जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, वेरी ड्राई स्किन है, तो उनके लिए ये सोप बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा सोप है. वो लोग इसे ज़रूर ट्राई करें. गाइस, आप लोग ये वाला सोप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं. आप इस वाले सोप को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप इस वाले सोप को ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं. ऑनलाइन भी ये किसी भी साइट पे आप लोग को मिल जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी साइट पे आप लोग को ये वाला सोप मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. एंड आप लोग इसे ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट से जाके भी इसे बाय कर सकते हैं. एंड गाइस, मैं बात करूँ इस वाले सोप की कि कैसा है, तो बहुत अच्छा सोप है ये और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट देता है. एंड
ये वाला सोप मैं ट्राई कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ भी मैं आप ज़रूर बताऊँगी कि मेरे को किस तरह की रिज़ल्ट दे रहा है सोप। अभी मेरे को इस वाले सोप को यूज़ करे हुए आई थिंक 3 या 4 डेज़ हुए हैं, तो मैं 3 या 4 डेज़ में आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताऊँगी कि ये किस तरह का मेरे को रिज़ल्ट दे रहा है या मेरे को कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इससे, कितना ख़राब रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं लाइक 14 डेज़ में, 15 डेज़ में, 20 डेज़ में आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊँ कि मेरे को इस वाले सोप से क्या क्या रिज़ल्ट मिले, कितने अच्छे रिज़ल्ट मिले। इस सोप के बारे में इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।